तो आज पूरे हरियाणा भर के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स आज हड़ताल पर चले गए हैं 2 घंटे के लिए। आपको बता दें कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल की गई है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद काफी मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। क्या कुछ मांगे डॉक्टर्स की हैं, वो आपको सुनवाते हैं। ये तो डिमांड्स हैं, ये कोई आज की डिमांड्स नहीं है, ये वही डिमांड है जिन पे 6 महीने पहले हमने एजिटेशन किया था। सरकार के साथ सहमति बनी थी। सिर्फ फर्क इतना है कि उस टाइम पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर माननीय अनिल विज जी थे और अब हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन ये वही डिमांड्स हैं जो जिस पे ये सहमति बनी थी कि ये वही मुख्य मांगे हैं जिनकी वजह से हरियाणा के अंदर डॉक्टरों की संख्या गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर डॉक्टर्स ज़्यादा होंगे तो हर गरीब और कमज़ोर व्यक्ति को हम सही और अच्छा इलाज देने में सक्षम रह पाएंगे। इसके लिए 6 महीने पहले सहमति बन गई थी, उन्होंने वादा किया था कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं इरादे जो है उनमें दिक्कत है। एक पॉजिटिव बात यह है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर खुद डॉक्टर हैं, वो हर ग्राउंड की रियलिटी को समझते हैं, जानते हैं, ऐसा हमारा मानना है। जब उनको ये इन दिक्कतों का, लोगों की परेशानियों का इतना ग्राउंड लेवल तक पता है तो वो समाधान करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहे। हमारी दरख्वास्त है उनसे कि अब आप जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निदान करें, अन्यथा जब हम 25 तारीख से स्ट्राइक पे जाएंगे, टोटल शटडाउन होगा, तो उसके कारण मरीजों को जो भी दिक्कतें होंगी उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। और आपके माध्यम से हम हमारे मरीजों को भी, जनता को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप भी अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अपनी बात रखें, डिमांड रखें और कहें ये आपका हक है। स्वास्थ्य जो है आपका राइट है, आपका स्वस्थ रहना आपका राइट है और सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप भी एक्टिवली अपने हक की मांग को उठाएं। डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के लिए अलग से कैडर बनाने की मांग की जा रही है। इसको सीएम की घोषणा में शामिल किया गया था। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो इसी तरह से कई और मांगे हैं जो डॉक्टर्स बता रहे हैं। आज हम सब लोग जो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक 9 से 11 का, ये हमारे पिछले 4-5 साल से लंबी डिमांडें हैं। इसमें मुख्यतः 4 डिमांड हैं हमारी, जिसके अंदर सरकार के द्वारा डायरेक्ट SMO की जो भर्ती की जाती है उस पर हम रोक चाहते हैं। पूर्णतः उसमें अमेंडमेंट किया जाए कि वो डायरेक्ट भर्ती ना की जाए। दूसरी डिमांड हमारी है स्पेशलिस्ट कैडर लागू करने की। जो स्पेशलिस्ट कैडर की फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सरकार कहती है कि गई हुई है, लेकिन अभी तक उसकी वो हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। तीसरी डिमांड हमारी है जो PG करने जो डॉक्टर्स जाते हैं उनकी एक बॉन्ड की एक राशि होती है, जो 1-1 करोड़ की 2 शॉर्टी ली जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा रकम होती है। अभी उसमें हम चाहते थे कि 50 लाख उसका कर दिया जाए सरकार के द्वारा, उसमें सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक वो फाइल भी क्लियर नहीं हुई है, वो नोटिफाई नहीं हुआ है। एक हमारी डिमांड है कि जैसे सेंटर में, सेंटर गवर्नमेंट में और बिहार जैसे स्टेट में भी डॉक्टर्स को, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको 4 ACP दी जाती हैं, 4 साल, 9 साल, 13 साल और 20 साल पे। और हरियाणा जैसा जो बहुत रिच और नंबर 1 स्टेट में गिनती की जाती है, वो स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है। आश्वासन दिया गया पिछली बार जब हमारे CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी थे और हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी ने फाइल को क्लियर किया, लेकिन फाइनेंस से वो क्लियर नहीं हो पाई। तो इन चार मुख्यतः 4 डिमांडों को लेके जो पूर्ण नहीं हो पाई है, डॉक्टरों के अंदर एक नाराज़गी है और इसको हमने, इसको जो मूवमेंट हमने किया है, इसको हेल्थ रिफॉर्म मूवमेंट का नाम दिया है कि स्वास्थ्य सेवाएं जिससे बेहतर होंगी, डॉक्टर आएंगे। अभी पीछे कितने 2000 के करीब डॉक्टर भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 600-700 ही रुके हैं, बाकी छोड़ के चले गए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि भी ये डिमांड पूरी की जाए कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट में आए, लोगों को जनहित में फ़ायदा हो। इसी के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर रिंकू सांगवान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पानीपत। पहले ये जब पहले ऊपर अधिकारियों से बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ, तो तब हमारी सारी डिमांडें उन्होंने जायज़ मानते हुए ये बोला था कि हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए। तो 6 मंथ बीतने के बाद भी अभी तक वो डिमांडें जो हैं ऑन पेपर ही रह गई हैं, उन्हें लागू नहीं किया गया है।
तो इसलिए अब ये दोबारा से स्ट्राइक का मतलब स्ट्राइक दोबारा से की गई है। आगे अगर अभी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आगे जो है इमरजेंसी सेवाएँ भी और अपनी जो भी आपातकालीन सेवाएँ हैं पोस्टमार्टम वगैरह सब बंद कर दिए जाएंगे 25 जुलाई ना मिले नहीं है। कितनी देर होगी आपको? मंद घंटा सारा हो गया बैठी ने। कहाँ से आए माता जी? सोदापुर। तो आज डॉक्टर की हड़ताल थी आपको पता था? ना पता नहीं था मैंने, डॉक्टर ना परसों की बोल दी मेरे ते। काफी दिक्कत हो रही है और हम तो इतनी दूर से आते हैं जी और आते ही पता लगता है डॉक्टर नहीं आ रहे। कभी कहते हैं छुट्टी पे है, मैं तो 3-4 बार आई थी जी यहाँ पे, एक बार भी नहीं मिले। सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ मैं, मेरी सिस्टर अंदर एडमिट है, कोई भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही जी, ना कोई ध्यान दे रहा है ना कोई चेक कर रहा है कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं, कुछ भी कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई डॉक्टर आया अभी तक। और मैं सुबह 6 बजे से यहाँ खड़ा हूँ जी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एसोसिएशन की मांग है कि पुरानी पॉलिसी को लागू कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 26 जुलाई से सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तो ऐसे में तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर सभी डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। हालांकि हड़ताल सिर्फ 2 घंटे के लिए रखी गई, लेकिन इस बीच लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।